हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम है अदिति और आप जानते हैं गाइस कि अन अकेडमी यूजीसी नेट पे हम लोग डेडिकेटेडली नेट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं गाइस कि आज जो है एक स्पेशल वीडियो के लिए को लेकर आपके सामने आई हूं। आखिर जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेट की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो सभी हम करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो आज असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाता है, इसके लिए एक छोटा स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो कैसे बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है गाइज मास्टर्स, यानी कि सबसे पहले आपको अपने मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेना होगा क्योंकि आप लोग सिर्फ ग्रेजुएशन करके असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, आपको मास्टर्स करना कंपलसरी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्टार पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में हुआ है उसी सब्जेक्ट के अंदर आपको अपना मास्टर्स करना होगा अगर आप उस सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहते हैं। दूसरा जो स्टेप है गाइज वो है नेट या फिर सेट, यानी कि अगर नेशनल लेवल पे आप जाएं, इंडिया लेवल पे, तो आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो आपको सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आप नेट और सेट दोनों भी देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, पर दोनों में से एक आपके पास होना ज़रूरी है, यानी अपने मास्टर्स कंप्लीट करते ही या अपने फाइनल ईयर के अंदर आपको नेट और सेट दोनों का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना होता है अगर आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके लिए आप नेट या सेट दोनों क्वालिफाई करते ही एलिजिबल हो जाते हैं, यानी जैसे ही आपका नेट कंप्लीट होगा आप इंटरव्यू में बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं गाइज। अब बात आती है कि तीसरा स्टेप क्या है, जो कि एक मिसलेनियस स्टेप है गाइज। दो तरीके की राह आपके सामने आएगी जब आप अपना नेट या फिर सेट क्वालिफाई कर लेंगे, या तो आप पीएचडी की तरफ जा सकते हैं या आप जा सकते हैं जॉब्स की तरफ। दोनों तरह के ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, या तो आप पीएचडी कर सकते हैं या आप कहीं किसी कॉलेज के अंदर, प्राइवेट कॉलेज ही मैं बोलूँगी क्योंकि सरकारी कॉलेज तो आपको इतनी आसानी से नहीं ले लेगा, तो प्राइवेट कॉलेज में जाके आप जॉब ज़रूर कर सकते हैं। अब जहाँ पीएचडी की बात रही तो उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जल्द से जल्द इसी चैनल पर कि क्या होती है पीएचडी, किस तरीके से पीएचडी के अंदर एडमिशन आप ले सकते हैं, क्या पीएचडी के लिए नेट करना ज़रूरी है और नेट करने के बाद कैसे पीएचडी में एडमिशन होता है, ये सभी हम लोग उस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आज आपके लिए जॉब वाला पोर्शन जो है उसे क्लैरिफाई कर देती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कॉलेजेस के अंदर जॉब किन किन तरीके की आती है, इनके बारे में आपको ज़्यादा लोग नहीं बताते होंगे क्योंकि ये इंटरनल वैकेंसीज होती है, इंटरनल सिस्टम होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इनके बारे में क्लियर नहीं होता है। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ कि किन किन तरीके की पोस्ट है जो हमारे पास अवेलेबल होती है जब हम हमारा नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। देखिए गाइस, तीन तरीके की जो वैकेंसी है वो निकलती है हमारे नेट और सेट क्वालिफाई करने के बाद हमारे कॉलेजेस के अंदर। सबसे पहली आपने देखा है कि रेड में मैंने लिखा है एडहॉक पर्पस। एडहॉक से मतलब मेरा है टेम्पररी पर्पस, यानी कि पर आर आपको रखा जाएगा लेक्चर देने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप जा सकते हैं और उस कॉलेज के अंदर आप एडहॉक पर्पस के लिए जो है वो हायर हो जाएंगे। इस वक्त आपको पर आर जो है वो चार्जेस किया जाता है, आपको परमानेंट पोजीशन नहीं मिलती है, आपको सिर्फ पर आर जो है वो चार्ज किया जाता है। इसके अलावा कॉलेज के मैनेजमेंट से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमारे फायदे की है वो मैं आपको ये बता दूंगा इस कि जो आपका एक्सपीरियंस है इन दौरान जो आप एडहॉक पर्पस पे काम कर रहे हैं वो काउंटेबल नहीं होता है, यानी कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके किसी और जॉब में अप्लाई करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप इस वक्त टेम्पररी पर्पस पे जो है वो जॉब कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास गाइस दो तरीके की पोजीशन जो है वो निकलती है यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, एक होती है नॉन ग्रांटेबल और दूसरी होती है ग्रांटेबल पोजीशन। नॉन ग्रांटेबल पोजीशन से मेरा क्या मतलब है कि आपकी जॉब जो है वो तो यूनिवर्सिटी की तरफ से लग जाती है, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में लग सकती है या किसी सरकारी में भी लग सकती है, बट जो आपका सारा का सारा मैनेजमेंट है, जो आपकी सैलरी से रिलेटेड या आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो सभी की सभी जो है वो आपके कॉलेज पे डिपेंडेंट होता है। यानी जॉब भले ही आपको यूनिवर्सिटीज से मिली हो पर जो पैसे हैं, जो सैलरी है या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज या जिस भी कॉलेज के अंदर आप जॉब कर रहे हैं वो आपको पे करता है। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो ये है गाइस कि जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपके एडहॉक वाले पर्पस में जो था वो सॉल्व नहीं हो रहा था, वो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपका जो एक्सपीरियंस होगा नॉन ग्रांटेबल पोजीशन पर काम करने वाला वो काउंटेबल होता है, यानी कि आगे जाके आप किसी सरकारी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो काउंटेबल माना जाएगा गाइस। तो आपके लिए बहुत बेहतर पोजीशन होती है अगर आप नया शुरुआत कर रहे हैं, एज अ फ्रेशर आप शुरू कर रहे हैं तो नॉन ग्रांटेबल पोजीशन एडहॉक से आपके लिए बेटर होती है। इसके बाद आती है हमारी जो फाइनल है जिसको द बिग फिश हम कहेंगे, तो ग्रांटेबल पोजीशन। ग्रांटेबल पोजीशन वो जॉब होती है गाइस जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है और पेमेंट भी जो है वो आपको सरकार की तरफ से ही मिलती है, यानी सरकारी पैसा, सरकारी नौकर जो है वो आप बन जाते हैं इस पोजीशन पर आके। पर इसके साथ मैं आपको बता दूं गाइस कि सीधा सीधा हमारे देश में ग्रांटेबल पोजीशन पर पहुंच जाना, ग्रांटेबल पोजीशन पे पहुंच के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कुछ आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस है गाइस। वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं, जो है वैकेंसी अंदर करप्शन की वजह से या कोई भी और रीज़न आप मानिए, अंदर ही अंदर जो है वो फंस जाती है। और इसके लिए जो है वो अब धीरे धीरे हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बट जैसे कि आपको बता दिया मैंने कि तीन तरीके की वैकेंसीज जो हैं वो निकलती हैं और जिन तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस कि किस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा भी मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी ज़रूरी है, पीएचडी कैसे करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, जेआरएफ क्या होता है, इन सभी के बारे में भी ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल बस इतना ही गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी के लिए सब देखते रहिए अन अकेडमी UGC नेट। Thank you so much.